नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल टेक मकान। दोस्तों आप लोगों को आज का नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रणवीर सिंह का जो क्रिएट्स है वो कैसे आप लोग ओपन करेंगे एकदम फ्री में। तो इस वीडियो में मैं फुल डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों फर्स्ट से लास्ट तक, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए चला जाना पड़ेगा आप लोगों को वो वाला इवेंट पे, जो रणवीर सिंह वाला इवेंट है प्ले प्योर, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर लास्ट की तरफ आप लोग जाएंगे तो दोस्तों आप लोगों को एक क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। देख सकते हो ये फ्री सब ऑप्शन, फ्री वाला जो है मेरा पूरा हो गया है ये सब करना। फिर दोस्तों ये देख सकते हो जिधर RS लिखा हुआ है, RS लिखा हुआ है वो दोस्तों रणवीर सिंह का क्रिएट है, क्रिएट कूपन है। मान लीजिए जैसे कि प्रीमियम क्रिएट कूपन वगैरह होता है, क्लासिक क्रिएट कूपन वगैरह, ये सब ऐसा ही रणवीर सिंह का क्रिएट कूपन है। तो ये कैसे आप लोगों को मिलेगा दोस्तों ये पॉइंट्स, तो आप लोगों को सिंपली क्लासिक मैचेस खेलना पड़ेगा और दोस्तों आप लोगों को पॉइंट्स मिलता रहेगा। तो पॉइंट्स मिलने के बाद दोस्तों देख सकते हो ऐसे करके आप लोगों का स्कोर आगे की तरफ जाएगा, ये पीला वाला नीचे का दाग आगे की तरफ जाएगा और आप लोगों को फ्री में ये कूपन मिलेगा। तो कूपन कलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो मेरे पास कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कैसे आप लोगों को एक्सचेंज करना है, मतलब क्रिएट ओपन करना है फ्री में, तो देखिए इसके नीचे रिवार्ड्स के नीचे हम लोगों का दिख रहा है RS क्रिएट यानी कि रणवीर सिंह क्रिएट, तो इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर कहीं पे भी वो हम लोगों का फ्री में क्रिएट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इधर सिर्फ यूसी का ऑप्शन दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए इधर ओपन वन टाइप पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर ऊपर हम लोगों का क्रिएट का ऊपर टिक किया हुआ है। अगर आप लोगों का यूसी का ऊपर टिक किया हुआ रहेगा ऐसे में, तो आप लोग यूसी से टिक हटा के क्रिएट का ऊपर टिक कर लेना। टिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों और एक आएगा ड्रॉ वन, तो फिर आप लोगों को ओके पे क्लिक कर देना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो मेरा इधर जो है एक क्या निकला है, ये मटेरियल निकला है। इसके बाद और एक ओपन करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो ऐसे करके आप लोगों को जो है ओपन करना है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा है और पूरा वीडियो में मैं सही तरह से जानकारी दे पाया आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वीडियो कुछ काम का लगा तो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, इस वीडियो को अपना दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर।